डेली का एक ही आंसर, भैया पानी क्यों आ रहा है? भैया पानी नहीं है, वो चारा कम खा रही है, भैंस भी आ गई है। इतनी मलाई जम चुकी है ऑलरेडी, देखो। तो आपका GSM ब्लॉग्स था, तो आपने द UK02 क्यों किया और आपने कॉपी किया है 07 से। मैंने कहा भाई वो बंदा देहरादून का रहने वाला, तो मैंने कहा भाई मैंने तो अपने ही जगह का नंबर डाला है। गुड मॉर्निंग टू न्यू व्लॉग। आज हमारा टफी की पार्टी है, आज टफी की पार्टी है। सो गाइस, आज चिकन टफी का बाहर से आया है और इतना खुश आज बैठा हुआ था कि आज मेरा खाना बाहर से आएगा। वेट कर रहा था कि खाना आएगा, मैं खाऊंगा, तो मैंने आज का चिकन मंगाया बाहर से। टफी की पार्टी है, टफी की चिकन की पार्टी है। सो गाइस, इसके लिए मैंने मंगाया है फ्राइड चिकन। पहले ये खड़े हुए खाता था, आज के लिए बैठ के खा रहा है इंसानों की तरह। सामने रख दो, मिक्सी में रोटी घुमा दी मैंने, रोटी का एकदम मस्त बना दिया चूरन चूरन टफी के, ताकि आराम से खा सके एकदम स्मूथ। ये देखो, इतना खुश है टफी, क्या बताऊं। खड़े होके नहीं खा रहा है, बैठ के खाएगा टफी हमारा। ये देखो, ये ऐसे खाने का तरीका आजकल, ये है हमारे टफी का खाने का तरीका। ये अरे वाह, फिनिश करना टफी मेरा बच्चा, फिनिश करना है पूरा। यस, ये देखो पूरा चिकन है इसमें। आहा, पूरा चिकन है टफी। अरे वाह, ये देखो खुश है। वेरी गुड टफी। तेरे को पता है काफी लोग देख रहे हैं तेरे को अब। हाँ, टफी को बोल रहे हैं कि टफी पूरा खाना खाना है। टफी को सब लोग देख रहे हैं कि टफी खाना खाएगा नहीं खाएगा, पूरा टफी पूरा खाना खाएगा नहीं खाएगा करके देख रहे हैं। हाँ, और टफी कैसे खा रहा है बताओ। औरों के डॉगी नहीं खाते हैं ऐसे, ये हमारा टफी खाता है बैठ के एकदम। अब टफी के लिए चेयर लानी पड़ेगी, चेयर पे बैठ के खाएगा मेरा पत्थू। हाँ, अब टफी चेयर पे बैठ के खाएगा। ये देखो आज सुबह इसको मैं घुमाने लेने गया था, तो इसका पेट साफ हुआ नहीं क्योंकि उसने खाना बहुत कम खाया था। तो डेली का मतलब रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इसको कभी कभी टेस्ट भी चाहिए होता है। ऐसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी टेस्ट चाहिए होता है ना, कभी बाहर का खाना खाते हैं तो इसको भी टेस्ट है कि मतलब हम डेली चिकन को उबाल के उसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा, तो वैसे हम खाते हैं। अब देखो ये उड़ गया, ये एक्चुअली इसके पाँव में भी थोड़ी दिक्कत थी, तो उसके पाँव में पापा ने इंजेक्शन लगवाए थे, तो इसका पानी का भी वहाँ पर घड़ा आ गया है। टफी की आज पार्टी है, टफी की चिकन की पार्टी है। आहा, ये देखो, ये है टफी का खाना। टफी खाना हमारा ऐसे ही खाता है एकदम। इसका डेली की डाइट है 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को। 9 बजे खाना चाहिए इसको और सुबह चाहिए इसको अपना 11-11:30 बजे के आसपास। अभी दोबारा आएगा, दोबारा इसमें एक और खाएगा, क्योंकि चिकन इसमें रखा हुआ है। टफी का चिकन इसमें रखा हुआ है। आहा, अब ये अच्छे पानी पिएगा। तो गाइस, अभी अपना आज मैंने पूरा पूजा वूजा भी कर ली। अभी देखो यहाँ पे तुलसी में मैंने अगरबत्ती भी जला दी, बाकी पेड़ों में पानी मैंने सब डाल दिया है। तो मम्मी आप टेंशन मत लो, पूरा पेड़ एकदम बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। आप जैसे ही गए थे 2 दिन में इतने बड़े हो गए, बताओ। तो तुलसी वगैरह सब यहाँ पे रख दिया है। टफी ने यहाँ पे हमारा पानी पी रहा है। टफी फिनिश करना है पूरा खाना। ये देख ये देखो आहा, ये देखो। फिलहाल मेड आई थी आज, मेड ने भी खाना पीना सब बना दिया उसने, पराठे आलू के, तो मैं भी खाऊंगा। सो ये है टफी का खाना। आज टफी की आज पार्टी थी, तो हम भी डेली खाते हैं, तो क्यों ना हम भी टफी को हमेशा, महीने में तो एक दो बार पार्टी टफी की बनती है गाइस, है ना। तो इसीलिए इसमें मैंने पानी भर दिया घड़े का, आजकल घड़े का पानी बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे पानी पूरा फुल भर दिया है, ऊपर तक पानी है। तो ये है, बर्तन साफ हो गए हैं, और आपको मैं दिखा देता हूँ किचन देखो, पूरा साफ सफाई बस वो है, उसको साफ कर दूंगा मैं। बाकी मंदिर में मम्मी पूजा भी हो गई है, ठीक है। सो 2 दिन से पूजा नहीं हुई थी, तो मंदिर में पूजा हो गई है।
और यहाँ के पेड़ों में भी पूरा का पूरा पानी डाल दिया, अगरबत्ती जला दी है और यहाँ पे पेड़ों में पानी डाल दिया। यहाँ पे रस्सी बांध रखी है देखो ये, ताकि ये सीधे इस तरफ ना गिरे, ताकि सीधे सीधे ये बेले जो है वो सीधे सीधे आती रहें करके। तो ये बेले देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बेले बेले भी आ गई हैं। तो ये पेड़ में पानी डाल दिया, अब चलते हैं अपने रूम में। ये देखो अपने रूम में भी प्रियंका का भी है नहीं, प्रियंका अपने अभी जा रखी है अपने घर। तो यहाँ भी मैंने पेड़ों में पानी में सब डाल दिया, और अभी मेरे को उसको करना है, ये तुलसी को ना सीधा करना है, चिकन खा रखा है तो हाथ नहीं लगा रहा। तो अभी फिलहाल अभी इसको भी यहाँ करके यहाँ बांध दिया था सीधा, ताकि पेड़ सीधा हो। तो यहाँ पेड़ों में पानी डाल दिया मैंने पूरा, डन। तो फिलहाल अभी 12 बज चुके हैं, अपना अभी खाना पीना खाएंगे और इसको भी हम घुमा देते हैं एक मिनट। ये आजकल नया ही है, पता नहीं खुशबू के लिए। तो हमने ये भी घुमा दिया। चलो आप घर में अकेले हैं तो अपना थोड़ा काम वाम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, चाय वाय पी ली है और टफी ने भी खाना खा लिया है। टफी का रूटीन है खाना खाने के बाद सीधा बाहर बैठना। टफी ने टुक्कू, ये देखो टुक्कू, ये हो डुगू, आहा डुगू से मिलने आता है ये हमेशा। आहा डुगू, आहा डुगू, हाँ डुगू देखो डुगू डुगू डुगू, खाना खा लिया इसने भी, इसने भी खाना खा लिया टफी, हाँ इसने भी खाना खा लिया। अब ये टफी है, खाना बचा हुआ है टफी खाएगा, है ना। चलो खा लेना, पानी पी लेना, ठीक है। चलो मैं काम वाम करता हूँ, अब ये चालू एसी 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 एसी। चलो ये देखो अब मैं एसी एसी ऑन कर देता हूँ टफी के लिए। अब गर्मी बहुत हो गई है, बाहर तो लू चल रही है एकदम। एक दिन क्या हुआ गाइस, ये ना ऐसे रात को हिल रहा था, मैं सोचूं ये रात को हिल क्यों रहा है, भूकंप आया था क्या। तो मुझे लगा ये ना एक्चुअली क्या है, यहाँ पे टच होता है उसका तभी हिलता है। मैं डर गया था एकदम कि भाई भूकंप आया था क्या, इतने देर से हिल रहा है, हवा आई थी। चलो ए सी ऑन कर रहे थे टफी के लिए, टफी अपना सोएगा थोड़ी देर, फिर धूप लगेगी तो खा लेगा। यस ये लो, ये लो टफी, एसी भी ऑन करे टफी के लिए, एसी भी ऑन कर दिया है। देखो वैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये फोटो ये देखो, ये मेरी फोटो है अपने कॉलेज टाइम की, जब फोटो खींची थी मैंने माउंटेन ड्यू के साथ। उस टाइम से मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, अभी भी है। तो अभी भी करता हूँ, फोटो यहीं रखी हुई है। तो यहाँ पे अभी अपना फोटो लगानी है कुछ चीज़ें अच्छे से, एल्फू ये मम्मी और टफी, ये दीदी दीदी जम सिटी बॉक गए थे, पापा मम्मी। तो ये मेरी फोटो देखो नीचे वो रखी है, ये रही और ये दीदी। वैसे आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने एक्चुअली क्या किया, पहले मैं एक्चुअली दूध मंगाता था, अब इससे हम घी बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो बाहर का, बाहर की जो हम सोचते हैं ना कि भैंस का दूध है मंगा लेते, भाई हमने मंगा के देख लिया, कुछ ना होता उससे, ठीक है। वही मिलाता है पानी, तो भाई जब पानी पीना है तो भाई फिर हम क्यों ना बाहर से मंगाएं। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया, बाहर से मंगाया और अच्छी खासी मलाई बन रही है और घी बन जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि यार क्यों ना हम छोड़ दें, इसलिए मैंने अभी 2-3 महीने दूध मंगाया था, ठीक है। हमारा दूध वही चल रहा था, तो हमने वो दूध मंगा दिया, मैंने कहा भाई नहीं चाहिए दूध अब हमें। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, बाहर से मंगाना स्टार्ट कर दिया, बुक करो घर पे दे के जाता है, तो मलाई भी काफ़ी जम रही है। और जो भी लोग दूध मंगाया सोचते हैं ना कि भैंस का दूध है, भैंस का दूध है, भाई यहाँ पे कहीं दूध भैंस का दूध मिलता भी है तो पानी डाल के आते हैं, और मैंने लाइव देखा है, मैंने तो अपने लिफ्ट में भी देखा है, तो दूध के ऊपर डाल रहा है पानी, बोलता कि मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। मैंने कहा लोगों को फुद्दू बनाना बंद कर दे, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो लोग फुद्दू बन रहे हैं, तो अच्छा है कि भाई भैंस का दूध तो बंद करो, अपना बाहर से दूध लगाओ, अपना जो पैकेट वाला आता है काफ़ी सारे दूध हैं, ठीक है, वो मंगाओ, अपना मलाई बनाओ, इसके बाद घी बनाओ। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि घी बन जाएगा भाई, उससे तो एक चम्मच मिलता था, एक चम्मच मैं कहूँगा तो एक चम्मच मलाई निकलती थी भैंस के दूध से। तो मैंने इसको एक बार मौका दिया, दो बार दिया, मैंने कहा भाई अब नहीं, अब रहने दे।
तो भाई कह रहा है कि सर अगली बार से ना वो लेके आऊंगा। भाई एक ही है उनका ना, उनका एक ही है कि भाई वो ना चारा नहीं खा रही है, बच्चा हो गया है। भाई डेली का यही है, ठीक है, डेली का एक ही आंसर, भैया पानी क्यों आ रहा है? भैया पानी नहीं है, वो चारा कम खा रही है, भैंस भी आ गई है, ये इनके आंसर होते हैं। मैंने कहा भाई एक काम कर, रहने दे, हम ले लेंगे अपना, ठीक है। तो मैं अभी दूध क्या क्या बाहर से मंगा दिया, तो बाहर से तो दूध आ रहा मस्त मलाई बन रही है। अभी मैं वो घी बनाऊंगा, जब ये फुल हो जाएगा घी बनाऊंगा, इसके बाद आपको दिखाऊंगा घी कैसे बनता है। घी काफ़ी अच्छा बनता है गाइस, मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो गाइस अभी आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी सारी वीडियोज़ वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, द UK02 GSM ब्लॉग्स। तो वही मैं बार बार बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि आपका GSM ब्लॉग्स था तो आपने द UK02 क्यों किया और आपने कॉपी किया है 07 से। मैंने कहा भाई वो बंदा देहरादून का रहने वाला, तो मैंने कहा भाई मैंने तो अपने ही जगह का नंबर डाला है 02 और द UK02 GSM ब्लॉग्स तो है ही अपना गूगल सिंह मेरा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, देखिए इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी सेम है, द UK02 GSM ब्लॉग्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन अपना ख्याल रखिए।